नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड आप लोगों के बीच में एक बार फिर से काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब एक बार फिर से जो कि लक्ष्मी का किडनैप करने की कोशिश करेगा बलविंदर। लेकिन दोस्तों, बलविंदर किडनैप करने की कोशिश करेगा लेकिन एक बार फिर से जो कि ऋषि जैसे ही आएगा बलविंदर वहाँ से भाग जाएगा। हालाँकि थोड़ी सी चोट आएगी लक्ष्मी पर, लेकिन चोट आने के बावजूद भी लक्ष्मी पूरी तरीका से ठीक महसूस करेगी अपने आपे को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बलविंदर ने जिस तरीका से लक्ष्मी पर अटैक किया है, अटैक करने के बाद में लक्ष्मी को हालांकि डर गई थी, लेकिन अगर ऋषि सही समय पर न आता तो कुछ भी हादसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों, अब ऋषि पूरी तरीका से लक्ष्मी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और जल्दी ही ऋषि को पता चलने वाला है कि आखिरकार बलविंदर को पल पल की खबर कौन दे रहा है घर में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मलिष्का हर पल पल की खबर जो कि ऋषि के सामने दे रही है और ऋषि की हर खबर को दे रही है बलविंदर को मलिष्का, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय लक्ष्मी और ऋषि के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ही सही लेकिन नॉर्मल होने लगा है। इधर ऋषि बोलते हुए नजर आएंगे कि लक्ष्मी, मैं तुम्हें कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जितना तुमने सहा है इतना शायद कोई और ही सह सकता है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऋषि पूरी तरीका से अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगे और फैमिली के खिलाफ जाकर जो कि लक्ष्मी का सपोर्ट करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वहीं पर ही बात की जाए मलिष्का की, तो मलिष्का इस समय घर वालों को काफी चढ़ाती हुई भी नजर आने वाली है कि देखिए ये लक्ष्मी की सब चाल है। और जैसे ही आहाना की सासू पूरी बात बताती हुई नजर आएगी कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि किस तरीका से, एक बार फिर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि लगातार जो कि लक्ष्मी का सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी आहाना की सासू। और आहाना तो पहले से ही लक्ष्मी का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं और सभी के सामने ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे कि उसे दोषी माना जाए। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर